हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने अमेज़ोन से कुछ प्रोडक्ट बाय की है, उनका हॉनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने यहाँ पर कुछ साड़ियाँ बाय की हैं, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो सबसे पहले देख लेंगे कि किस तरीके से हमें रिसीव होता है, तो इनको ओपन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पार्टी वियर साड़ियाँ बाय की हैं जो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मैंने उनको बाय की हैं। तो सबसे पहले इस तरीके के पैकेजिंग में हमें रिसीव होती हैं, तो इस तरीके के अमेज़ोन वाले पैकेजिंग में हमें रिसीव होगी। तो इसको ओपन कर लेंगे। तो गाइज, मैंने बहुत ही ज़्यादा सुंदर साड़ी बाय की है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ये इस टाइम। तो मैंने कुछ यहाँ पर इस तरीके का शेड देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का शेड। फर्स्ट वाला साड़ी ये वाला हो गया, आप देख सकते हैं फुल सीक्वेंस वर्क में विद ब्लाउज आपको ये साड़ी मिलेगी। आप देख सकते हैं फुल सीक्वेंस वर्क में है और नाइट में इस तरीके की साड़ियाँ वेयर करने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लुक देती हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर इसकी मटेरियल की अगर गाइस बात करें तो ये जॉर्जेट के मटेरियल पर सीक्वेंस वर्क आपको मिलेगा और जॉर्जेट इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आपको मिलता है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट वाला और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको इसमें रिसीव होगी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। इस तरीके की जो सीक्वेंस की साड़ी आती हैं गाइस, काफ़ी हाई प्राइस में होती हैं और मैंने इसको अमेज़ोन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इसको बाय किया है। और इसकी अगर ब्रांड की बात करें तो सिनिस्ता ब्रांड का ये साड़ी होगा। जितनी भी साड़ियाँ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सभी सेम ब्रांड से होंगी। तो देख सकते हैं इसके वहाँ पर और भी शेड होंगे, बट ये वाला शेड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो नाइट में इस तरीके की साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हैं और वेयर करने के बाद तो गाइज इसका लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है। तो विद ब्लाउज़ ये आपको साड़ी मिलेगी, इस तरीके का प्लेन पीस मिलेगा जिसको आप टक करते हैं और इसका ये ब्लाउज़ मिलेगा जिसको जो कि गोल्डन शेड में आपको मिलेगा और इसमें हल्का सा सिल्वर टोन है। तो ये गोल्डन और सिल्वर पर आप इजीली इसको और साड़ियों पर भी वेयर कर सकते हैं स्टिच कराने के बाद। और इसमें काफ़ी ज़्यादा हॉट आपका ब्लाउज़ बनेगा, काफ़ी ज़्यादा सुंदर। आप इसे डीप नेक से बहुत ही ज़्यादा बैकलेस ब्लाउज़ इसको स्टिच करा सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और ये भी फैब्रिक इसका काफ़ी ज़्यादा मोटा दिया हुआ है और सॉफ्ट मटेरियल में आपको मिलेगा। तो साड़ी भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट जॉर्जेट मटेरियल में मिलेगी और सीक्वेंस इसका देख सकते हैं, इस तरीके का आपको सीक्वेंस मिलेगा। पास से मैं आपको दिखाऊं तो आपको देखकर पता चल रहा होगा इस लाइनिंग वाला सीक्वेंस नहीं है, जो लाइनिंग में होता है एक साड़ियाँ लाइनिंग में होती हैं स्टिच करी हुई, सीक्वेंस लगा हुआ होता है और ये इस तरीके का है जो कि देख मिल कर रही है। तो इस तरीके की साड़ियाँ पार्टी में आप इसको वेयर कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो सेम मैंने जितनी भी साड़ियाँ आज बाय की हैं सिनिस्ता ब्रांड से बाय की हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे रिसीव हुई हैं। अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसको मैंने 1279 रुपीज़ का गाइस बाय किया है। तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं। इसका वहाँ पर ब्लैक शेड भी है और इसका रेड और पिंक शेड भी है, तो जो भी आप पसंद करते हैं आप उसको बाय कर सकते हैं। तो मुझे तो ये वाला पसंद आया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा ये स्मार्ट लुक देने वाली है, तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं मेरी तरफ से बिग थम्स अप है। तो नेक्स्ट साड़ी में आपको नेक्स्ट साड़ी ये वाला हो गया गाइज। मैंने यहाँ पर सभी साड़ियाँ हैवी बाय की हैं और जो एक साड़ी मैंने लाइट वेटेड बाय की हैं, जो इस तरीके की हैवी साड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करते तो वो लाइट वेट साड़ी भी बाय कर सकते हैं। तो ये सेकेंड वाला साड़ी ये वाला हो गया, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसमें डिटेलिंग दी हुई है। तो ये इस तरीके का इसमें लेस मिलेगा, डार्क पीच कलर का ये लेस लगा हुआ है, लाइट पीच कलर की आपको साड़ी पूरी प्रोवाइड की हुई है। पूरी साड़ी में इस तरीके के आपको देख सकते हैं हैंडवर्क के ये पैच मिलेंगे जो कि चिकनकारी का पूरा फुल ये साड़ी होगा। पल्ले पर इस तरीके का लेस मिलेगा चारों तरफ आपको और पूरे में यहाँ पर फुल इसमें आपको इस तरीके का वर्क मिलेगा, हैंडवर्क है गाइज ये। इसमें थोड़े छोटे स्टोन भी लगे हुए हैं डार्क पीच कलर के। तो अगर इस ये पूरी फुल साड़ी गाइज नेट की है और इसकी अगर नेट की क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का सॉफ्ट मटेरियल ये यहाँ पर नेट का हमें मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो छूने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जैसे नेट होते हैं कई बार खड़े खड़े से, तो ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। और अगर आप इसका पल्ला देखेंगे ना तो गाइस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो पूरा फुल हैवी चिकनकारी का आपको इस तरीके का वर्क पल्ले पर मिलेगा गाइस। और इसका जो बेस्ट पार्ट इसका साड़ी का है वो है इसका फ्रिल का डिज़ाइन। ये फ्रिल वाली साड़ी है जो कि वेयर करने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हैं इस तरीके की साड़ियाँ, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देख सकते हैं आप इसका लुक,
तो ये कुछ इस तरीके का लुक देगी आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइज ये साड़ी। और इस तरीके के शेड फेस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से शो होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हाईलाइट होता है। विद ब्लाउज साड़ी होगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अफोर्डेबल साड़ी है ये भी। तो फुल साड़ी ये हो गया, और यहाँ पर इस तरीके का आपको प्लेन सॉलिड शेड में पीच कलर में आपको ये फैब्रिक मिलेगा ब्लाउज के लिए। ये भी 8.5 सेंटीमीटर का ये आपको ब्लाउज मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी शाइनिंग वाला है। तो ये पार्टी वेयर साड़ी आप जो है डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो ये मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो 1619 रुपीज़ का मैंने गाइज इसको बाय किया है। इतने में मस्ट बाय है, हैवी पार्टी साड़ी अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो गाइज इतनी में साड़ियाँ नहीं आती हैं। तो नेक्स्ट साड़ी मैं आपको दिखाऊँ, तो नेक्स्ट साड़ी ये बाय की है, और ये वाली साड़ी गाइज मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। भी फ्रिल वाली बेस्ट अफोर्डेबल साड़ी है, मैं अमेजोन होल कर रही थी तो इसीलिए मैंने इसको भी इसमें इंक्लूड किया है, ताकि अगर आप बेस्ट साड़ी अफोर्डेबल में ढूंढ रहे हैं तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ये भी सेम ब्रांड से है गाइज। अगर आप इसकी क्वालिटी की अगर मैं इसकी बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी है। अगर इसकी मटीरियल की बात की जाए तो इसका मटीरियल लाइक्रा का होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ये फैब्रिक। अगर इसके शेड की बात करूँ तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर है, हर स्किन टोन पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जाता है। और इसके फ्रिल है इस तरीके की, ये नीचे आएगी गाइस, बट मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको, तो नीचे आती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। और इसकी यहाँ पर इसमें एक लेस लगी हुई है वेलवेट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है वेयर करने के बाद। तो ये कुछ इसका यहाँ इस तरीके के आपको ओरिजिनल मिरर नहीं है, फेक मिरर है, प्लास्टिक बोलते हैं जिसको। तो इस तरीके का यहाँ पर ये आता है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसका ट्राई एंड हॉल मेरे पास है, तो उसको मैं इसमें इंक्लूड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं ये अफोर्डेबल साड़ी कितनी ज़्यादा सुंदर। इसके वहाँ पर 4 शेड अवेलेबल है, एक इसका वाइन शेड है, एक इसका ब्लैक शेड है, रेड शेड, इसका टेल ग्रीन शेड होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसकी अगर प्राइस की बात करूँ तो इसको मैंने 374 रुपीज़ बाय किया है, और इसकी पिक साइड पर लगाऊँगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये साड़ी कितनी ज़्यादा बेस्ट और कितनी ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं गाइस। मैंने लाइट वेट का, जो हैवी साड़ियाँ नहीं पहनना पसंद करती, तो मैं ऑर्गेन्जा की लाइट साड़ी, कई बार होता है कि लाइट साड़ी भी पहनने का भी मन करता है, तो मैंने ऑर्गेन्जा की लाइट बेबी पिंक कलर की इस तरीके की साड़ी बाय की है, और ये भी सेम ब्रांड से ही, सिनिस्ता ब्रांड से ये है। और देख सकते हैं ये भी बेबी पिंक कलर की है, और ये गाइस कोई भी वर्क नहीं है, ये प्रिंटेड साड़ी है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे और कलरफुल इसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, फ्लावर में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये हल्का ऑरगेंजा साड़ी है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल इसमें यूज़ किया हुआ है, और इसको गाइज ऐसा नहीं है कि आप इसको ईजिली वेयर नहीं कर सकते, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ईजिली इसकी प्लेट्स बन जाती हैं, और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट साड़ी है। अगर इस तरीके की साड़ी आप वेयर करना पसंद करते हैं तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और भी शेड इसके वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इसमें ये भी विद ब्लाउज है गाइस, और इसमें भी इस तरीके का डार्क पिंक कलर का आपको फैब्रिक मिलेगा, जैसा उस पीच वाली साड़ी में था सेम वही वाला ब्लाउज का पीस इतना बड़ा आपको मिलता है, तो इसलिए आप इसमें अपना ब्लाउज स्टिच करा सकते हैं। तो ये वाली साड़ी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैंने इसको 809 रुपीज़ का बाय किया है, मस्ट बाय है गाइज इतने में। तो एक साड़ी ये वाला हो गया, ये गाइज अफोर्डेबल प्राइस में बाय किया है, इसको मैंने ऑफ़र में बाय किया है, सिर्फ 49 रुपीज़ का मैंने इसको बाय किया है। तो ये वो ऑफ़र में आ रही थी, और ये 49 रुपीज़ की साड़ी है गाइस, देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसमें गोल्डन इस तरीके का एक पूरा पैटर्न दिया हुआ है नीचे की साइड, और ये बॉर्डर पर भी आएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसमें बॉर्डर दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, बट ये ऑफ़र में थी तो इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया। और आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है ये भी, तो 49 रुपीज़ में मस्ट बाय है गाइस। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है वेयर करने के बाद, इस तरीके की लाइट वेट साड़ियाँ आप इसको समर में इजीली वेयर कर सकते हैं। गाइज मैंने ये एक ब्लाउज़ बाय किया है अमेजोन से, अमेजोन होल कर रही थी तो इसीलिए मैंने सोचा ये भी आपको इस ज़रूर इसमें दिखाया जाए। तो गाइज इसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो ये सिल्क मटीरियल का ब्लाउज़ आपको मिलेगा, आपको इसकी यहाँ पर स्लीव्स मिलेंगी आप देख सकते हैं, और इसकी इनसाइड की अगर बात करूँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटीरियल का यहाँ पर कॉटन का
प्योर कॉटन का फैब्रिक अंदर की साइड इसमें लाइनिंग में लगा हुआ है, जो कि समर में या विंटर में आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करने वाला है। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल का, अच्छी क्वालिटी का इसमें फैब्रिक लगा हुआ है और फ्रंट से ये कुछ इस तरीके का बॉट नेक आपको मिलता है, आप देख सकते हैं। और इसमें इस तरीके के गोल्डन में मर्जेंटा कलर के फ्लावर इसमें लगे हुए बने हुए हैं, ऑरेंज कलर के भी हैं, तो आप इजीली इसको किसी भी इसके मैचिंग की आप किसी भी साड़ी के साथ इसको वेयर कर सकते हैं। मैंने इसको मर्जेंटा कलर की साड़ी के साथ गाइस वेयर किया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा उन सुंदर लुक दे रही थी, तो इसको आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। डबल एक्सेल साइज तक अवेलेबल है अमेजोन पर और इसके 8 शेड वहाँ पर अवेलेबल होंगे आपको इसका, और एक रेड कलर, मर्जेंटा कलर और ये पर्पल शेड होगा और एक ब्लैक कलर भी आपको इसका मिलेगा। आप इसको एक्सेल साइज तक, एस साइज, एल साइज, एक्सेल साइज और डबल एक्सेल साइज तक ही आपको वहाँ पर मिलता है। और इसके अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इसको मैंने 473 रुपीज़ का बाय किया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और अफोर्डेबल है गाइज, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और एक्सेल साइज़ में अगर आप कोई भी ब्लाउज़ या एक्सेल साइज, डबल एक्सेल साइज बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। काफ़ी शेड इसके वहाँ पर अवेलेबल, ब्लाउज लेकर आप कई साड़ियों पर इसको वेयर कर सकते हैं, किसी भी साड़ी पर ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है। साइड में पिक लगाऊंगी तो आपको देखकर पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ये अफोर्डेबल और कितना ज़्यादा स्मार्ट लुक दे रहा है। तो इन साड़ियों में से कोई भी साड़ी अगर बाय करना चाहते हैं तो आप इनको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ है और इनका सभी का बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हैं। आपको ईजिली हो जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।